हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ डीआई पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए, मैं इसमें डीआई में जो आपका जो सबसे बेसिक चीज़ होता है वो मैं बता रहा हूँ कि डीआई का जो क्वेश्चन कभी भी आए दोस्तों, तो सबसे पहले उसका डायरेक्शन जो गिवन है ना, उसको बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़ना। उससे क्या होगा ना कि आपका जो क्वेश्चन जो आप उस पर बेस्ड है वो बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ आपका गिवन है कि बार ग्राफ गिवन बिलो सोन पेन सोल्ड बाई रिटेलर ऑन 5 डिफरेंट डेज। मतलब कोई रिटेलर के द्वारा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को पेन बेचा जा रहा है। तो देखिए, यहाँ मंडे को कितना है 25 है और ट्यूसडे को कितना है 75 है और ये आपका वेडनेसडे को कितना है 30 है, थर्सडे को आपका कितना है 45 है, फ्राइडे को आपका कितना है 50 है। तो देखिए, जैसा ये था, मैं इसको अपना ग्राफ को मैंने यहाँ डिजिट फॉर्म में मैं लिख लिया हूँ। तो देखिए आगे, अब इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आउट ऑफ द टोटल पेन ऑन ट्यूसडे। तो देखिए, सबसे पहले ट्यूसडे को कितना पेन बेचा, ट्यूसडे को कितना पेन बेचा, टोटल 75। ठीक है, इसमें से रेशियो जो है ना, डिफेक्टिव पेन और टोटल पेन सोल्ड, जो डिफेक्टिव पेन है और पेन जो सोल्ड किया है सोल्ड पेन, उसका रेशियो कितना है 7:5 है, मतलब 7/15 है। तो हम इसे इस फॉर्म में x के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए, ये आ गया आपका, तो ये आपका जो टोटल पेन सोल्ड किया है वो आपका कितना है 15 है या 15x है, और यहाँ टोटल पेन जो इसके द्वारा सोल्ड किया गया वो 75 है। तो देखिए, यहाँ मीन्स आपका जो 15x है वो कितने के बराबर हो गया, 75 के बराबर हो गया। मीन्स आपका यहाँ x का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ गया 5। तो देखिए, अब 5 पुट कीजिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 35, और ये तो ऑटोमेटिक आपका 75 ही गिवन है। तो देखिए, आपका ये डिफेक्टिव पेन कितना है 35 है और टोटल जो पेन है वो 75 बेच रहा है। देखिए, यहाँ टोटल 75 पेन बेच रहा है, ठीक है, उसमें से 35 का है डिफेक्टिव है, तो 35 को घटा दीजिए तो ये 40 जो बचा ये आपका क्या आ गया, नॉन डिफेक्टिव पेन। और इसका आपको क्वेश्चन में यही आपको पूछा जा रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव पेन्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे। तो देखिए, आपको ट्यूसडे में 40 नॉन डिफेक्टिव पेन ये बेचा गया है। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ पेन ऑन सैटरडे। तो देखिए, जो सैटरडे को जो पेन जो बेचा गया है सैटरडे को इज इक्वल टू 40% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन वेडनेसडे। तो देखिए, वेडनेसडे को कितना बेचा गया 30, इसका 40% मोर मेरे को करना था 100, ये तो 100 होता है, तो इसमें 100 में और 40 जोड़ दे तो 140% आप इसका निकाल दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, जो सैटरडे को जो सोल्ड किया गया उतना पेन, तो यहाँ से 0 से 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो आपका यहाँ कितना आ जाएगा 42, क्योंकि सैटरडे को बेचा गया। और आगे फाइंड क्या कर रहा है क्वेश्चन में, सोल्ड ऑन फ्राइडे प्लस सैटरडे टुगेदर। तो देखिए, फ्राइडे प्लस सैटरडे दोनों को एक साथ जोड़ के आंसर बताना है। तो देखिए, फ्राइडे को ही कितना है, देखिए ये लाइन कहाँ का टच कर रही है, देखिए 50 को टच कर रही है, तो ये कितना हो गया फ्राइडे को 50 हो गया, और ये सैटरडे का 42। आप दोनों को इसे कंबाइन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 92। तो देखिए, ऑप्शन आपका ए रहा, ए नंबर आपका ऑप्शन 92 आपका आंसर। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपका गिवन है कि डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन मंडे ऑन ट्यूसडे, ये दोनों को ऐड करना है, ठीक है, और थर्सडे और फ्राइडे ये दोनों को ऐड करके घटा देना है। मीन्स ये दोनों को आपको जोड़ना है और ये दोनों को जोड़ के दोनों को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट कर देना। तो देखिए, मंडे को कितना है
25 है, फिर ट्यूसडे को कितना है 75 है माइनस, फिर थर्सडे को कितना है 45 है और फ्राइडे को आपका 50 है। तो ये आपका तो आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका यहाँ आ जाएगा 5, आपका आंसर 5। देखिए ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं, तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या है गिवन कि टोटल नंबर पेन ऑन ट्यूसडे, तो देखिए यहाँ आप ट्यूसडे लिख दीजिए ठीक है, इज हैड इक्वल टू 25% मोर देन द टोटल नंबर पेन ऑन संडे। देखिए आपका संडे यहाँ कहीं भी डेटा में नहीं दिया है, तो संडे को हम मान लेते हैं एक्स पेन बेचा ठीक है, तो एक्स का आपको 25% मोर करना है, तो 100 तो एक्स के बराबर 100 होता है, तो 100 में और 25 आप जोड़िएगा तो 125% आ जाएगा ठीक है। ये आपका ये हो गया, इक्वेशन बन गया। तो पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर पेन संडे को मतलब एक्स को फाइंड करना है, तो देखिए ट्यूसडे जो था ट्यूसडे को कितना बेचा गया 75, तो यहाँ 75 लिख दीजिए इंटू इज इक्वल टू एक्स इंटू, आप इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 5/4 आ जाएगा, और यहाँ से 5 से आप ये काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 15, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपको 15×60। तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी रहा जिसमें 60 गिवन है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आउट ऑफ द टोटल पेन सोल्ड ऑन थर्सडे, तो देखिए सबसे पहले आप लिखिए थर्सडे आपका थर्सडे को देखिए कितना पेन बेचा जा रहा है 45, यहाँ 45 लिख दीजिए। 20% पेन जो है ब्लू इंक है, जो 20% है सॉरी ये 20% क्या है ये ब्लू है, बी लिख दिए ब्लू, 20% ये ब्लू है। तो देखिए आप ये 45 का 20% निकालिए, तो देखिए 45 है ना, तो आप इसको 10% कितना होगा आप बीच में डॉट लगा दीजिए एक अंक के बाद, तो ये 10% 45 के बराबर हो गया, 4.5 के बराबर हो गया। देखिए आप इसे ऐसे समझिए, देखिए 100% कितना हो गया 45 ठीक है, तो देखिए अब 10% निकालना है, तो 10% निकालना है तो यहाँ भी आप 10 से डिवीजन दे दीजिए इसमें भी और इसमें भी, तो 10 ये कैंसिल हो गया, तो 10% कितना हो गया 4.5, ये हो गया 10% ठीक है। तो देखिए यहाँ 10% आपको कितना 4.5, आपको 20% निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 2 से इधर भी 2 से, तो आपको 9 हो जाएगा, ये क्या हो गया 9 पेन। ये हो गया 9 पेन। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका गिवन है कि रिमेनिंग जो आउट ऑफ रिमेनिंग, तब देखिए अब देखिए रिमेनिंग कितना आपका बचा, रिमेनिंग कितना बचा, तो देखिए 45 माइनस 9 कर दीजिए तो आपका रिमेनिंग कितना बच गया 36, आपका कितना बच गया 36। फिर जो रिमेनिंग है उसमें से रेड इंक पेन 25% क्या है रेड इंक पेन है, तब इसका 25% निकालिएगा तो ये क्या होगा रेड, तब इसका 25% आपको पता होगा कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है दोस्तों आपका 1/4 होता है ठीक है, तो आप इसका 1/4 से कीजिएगा 1/4 तो आपको कितना आएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा ये भी 9 आ जाएगा। तो देखिए तो ये हो गया 9, हम 36 का 1/4 किए तो 9 हो गया। अब क्या हो गया आउट ऑफ रिमेनिंग, अब जो वो देखिए टोटल 36 था, 36 में से 9 चल गया, तब ये जो रिमेनिंग वो जो बचा वो क्या हो गया ब्लैक हो गया, ये ब्लैक BL हम लिख दिए ब्लैक के लिए, हम किए ये ब्लू के लिए हो गया ब्लू BU ठीक है, ये ब्लैक है ब्लैक पेन है। तो देखिए 36 में से 9 चल गया 27, और नेक्स्ट आके क्वेश्चन आपको फाइंड करना है कि फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ ब्लू और ब्लैक पेन सोल्ड ऑन थर्सडे। देखिए ब्लू और ब्लैक दोनों को यही पूछा गया कि दोनों ब्लू और प्लस ब्लैक कितना बेचा गया, तो देखिए ब्लू आपका 9 है और ब्लू आपका कितना है 9 है और ब्लैक आपका कितना है 27 है, तब दोनों का आप ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 36। तो ये रहा ऑप्शन नंबर आपका ए। तो
आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।